तो गाइज हमारे बहुत ही अच्छे एक व्यूअर हैं सोनू, जिन्होंने डिमांड रखी थी कि कोडी एज ड्रू मैकइंटायर और शेमस इन चारों का मैच करवाना है आपस में, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो भाई हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चारों प्लेयर हमारे सेलेक्ट हैं और रिंग में जाने से पहले भाई आप सबको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को और लाइक तो भाई कर ही दो भाई। तो हमारा काम बचा है सिर्फ टाइटल मैच को टाइटल सेलेक्ट करना और चैंपियनशिप किसके पास है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कौन लेके बैठा है, कौन है भाई, आ जाओ दिखो दिखो जरा अपनी शक्ल दिखाओ, इंटरकॉन्टिनेंटल यूनाइटेड। अरे भाई हर जगह भाई सिर्फ रोमन की ही किस्मत खराब है, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रोमन की किस्मत खराब थी कि वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लेके बैठा हुआ था, तो भाई उसकी बेल्ट हमने छीन ली है। अब इन चारों में से हमें कोई ना कोई नया चैंपियन मिलने वाला है भाई, समर स्लैम पे ये मैच होने वाला है। और एक एक फिनिशर सबके पास स्टार्टिंग में था और एज ने देर नहीं लगाई और सीधा भाई कोडी रोड्स को लगा दिया फिनिशर। ओ भाई बहुत ही खतरनाक भाई, एज ने तो भाई आते ही अपना फिनिशर यूज कर लिया और कोडी रोड्स को लेटा दिया। कोडी रोड्स भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ब्रॉक लेसनर को हरा दिया भाई उन्होंने, बहुत ही उम्मीद है आज कोडी रोड्स से भाई, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि आज वो जीत करके निकलेंगे यहां से। तो अब कोडी रोड ने भी भाई बदला, फिनिशर के बदले फिनिशर भाई, फैटल फोर वे मैच है और पिनफॉल इतनी आसानी से तो नहीं करने देने वाले लोग एक दूसरे को भाई। ड्रू मैकइंटायर के पास भी एक फिनिशर अभी बाकी है, एक फिनिशर शेमो भैया के पास मतलब शेमस के पास बाकी है और रिंग में स्टील स्टेप्स की एंट्री हो चुकी है भाई। चलो बहुत दिनों के बाद स्टील स्टेप्स देखे हमने रिंग के अंदर। चलो अब भाई मैच धीरे धीरे भाई वायलेंट होता चला जाएगा, कोडी रोड को फेंका बाहर और इंतजार कर रहे थे ड्रू मैकइंटायर हैमर के साथ, कोडी रोड को बहुत डैमेज कर दिया भाई, पहले एक फिनिशर झेला उन्होंने और उसके बाद हैमर से जो है इतनी मार पड़ी है ना, बहुत डैमेज हो चुका है भाई उनको, बॉडी येलो हो चुकी है कोडी रोड की, फिनिशर सिर्फ ड्रू मैकइंटायर और शेमस के पास है, सिग्नेचर आ चुका है एज के पास और एज ने अपना सिग्नेचर लगा दिया है शेमू भैया को और शेमू भैया को लेटा दिया है और अब फिनिशर आ चुका है एज के पास। और अब भाई उनके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे, शेमू भैया उठ जाओ अगर अपना थोपड़ा बचाना है। कोडी रोड्स वापसी की कोशिश करते हुए वापसी चलते हुए रिंग के अंदर, एज जो है वो भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद आज हमें कोडी रोड्स से बहुत ज्यादा है। और ये ड्रू मैकइंटायर भाई रिंग से बाहर कमेंट्री वालों का टेबल इंश्योर करते हुए कि भाई खाली मिले जब तोड़ने का मौका मिले। और उसके साथ ही भाई शेमू भैया ने भी अपना फिनिशर कोडी रोड्स को लगा दिया भाई, दो दो फिनिशर अभी कोडी रोड्स को पड़ गए हैं भाई, एक फिनिशर एज से और दूसरा फिनिशर अभी शेमू भैया ने चिपका दिया भाई उनको। आज कोडी रोड्स सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कहाँ फंसा दिया भाई इस मैच के अंदर, और वो भी फैटल फोर वे मैच में। अब फिनिशर ड्रू मैकइंटायर और एज के पास, कोडी रोड्स के पास सिग्नेचर आने वाला है, आ चुका है भाई सिग्नेचर और फिनिशर भी बस उनके पास आ चुका है। अब वो किसको फिनिशर रख, मुझे लग रहा है एज को लगाना चाहिए उनको फिनिशर भाई, एज ने उनकी बहुत बैंड बजाई थी, एक सिग्नेचर और एक फिनिशर तो बनता है भाई एज के ऊपर कोडी रोड्स का। ये शेमू भैया हथौड़ा लेकर के किधर जा रहे हैं और दूसरे स्टाइल स्टील स्टेप्स भाई ये ड्रू मैकइंटायर और भाई ओ एज को भी हथौड़ा पड़ गया। रिंग में कौन नहीं है भाई पिनफॉल को छुड़ाने के लिए, रेजिलेंसी सबके पास है, एक एक पिनफॉल सब किक आउट कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया ये है कि रेजिलेंसी प्लेयर यूज ही नहीं करते हैं। ड्रू मैकइंटायर पता नहीं क्या करना चाहते थे भाई, लेकिन आज कोडी रोड की किस्मत थोड़ी सी मुझे डैमेज मतलब खराब लग रही है, हर कोई भाई उनको धो के जा रहा पता नहीं क्यों। अब कोडी रोड आ चुके हैं रिंग में, शेमू ने फिनिशर दिया था भाई कोडी रोड्स को और कोडी रोड्स ने बदला लिया भाई, हथौड़े से धोया भाई शेमू को। सीढ़ी भी आ चुकी है भाई बाहर, ये लैडर मैच नहीं है भाई, मैंने गलती से लैडर मैच तो सेट नहीं कर दिया, ये ड्रू मैकइंटायर क्या लैडर सेट करेंगे क्या, अरे ऊपर कोई चैंपियनशिप नहीं है भाई, ऊपर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो सीढ़ी पे चढ़ के भी लड़ लो भाई, ऊपर वैसे कुछ है नहीं पर तुम सीढ़ी पे चढ़ के लड़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अरे भाई सिग्नेचर फिर से
कोडी रोड्स को भाई सब सारे फिनिशर सिग्नेचर भाई आज कोडी रोड्स को ही पढ़ रहे हैं भाई। जिसे देखो फिनिशर कोडी रोड्स को, जिसे देखो सिग्नेचर कोडी रोड्स को भाई। कोडी रोड्स भाई अपना बदला जरूर ले लेना, सिग्नेचर पड़ गया एज को। और फिनिशर छुड़वाने के लिए भाई रिंग में कोई नहीं है, ड्रू मैकइंटायर ने फिनिशर के बाद ये जो पिन फॉल कर रहे थे छुड़वा। और शेमू को भाई एक बार फिर से बदला ले लिया भाई, फिनिशर दे दिया कोडी रोड्स ने। क्या पिन फॉल होने वाला है, कोडी रोड्स कोशिश में थे लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने भाई छुड़वा दिया पिन फॉल। शेमू चले बाहर और अभी भी कोडी रोड्स के पास बस एक सिग्नेचर आने ही वाला है ड्रू के पास भाई। एक सिग्नेचर और दो दो फिनिशर हैं भाई, दो दो फिनिशर एज के पास, दो दो फिनिशर भाई। इन दोनों बंदों से बच के रहना पड़ेगा। वैसे तो खतरनाक इस वक्त शेमू भी है क्योंकि एक फिनिशर लेकर के घूम रहे हैं भाई, लेकिन ड्रू मैकइंटायर और एज के पास दो दो फिनिशर हैं भाई। ड्रू कोडी के पास एक सिग्नेचर फिनिशर आ चुका है, बस एक फिनिशर आ चुका है, लेकिन रेजिलेंसी जो है ना वो अभी रुकावट। अरे 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 भाई, सबसे ज्यादा जो आज मार पड़ रही है कोडी रोड्स को पड़ रही है भाई। और अब मौका है ड्रू मैकइंटायर के पास चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन एज को होश आ चुका है। पिनफॉल करवाना इस मैच में सबसे ज्यादा मुसीबत है। जैसे ही आप पिनफॉल करवाने लगते हो ना कोई छुड़वाने के लिए पहुंच ही जाता है, तो यही सबसे बड़ी मुसीबत है इस मैच के अंदर। शेमू भैया के पास एक फिनिशर है भाई और एज के पास दो फिनिशर, ड्रू मैकइंटायर के पास एक सिग्नेचर और इसके साथ ही भाई शेमू को पड़ गया फिनिशर। और क्या रेजिलेंसी यूज करेंगे, कोई बचाने आएगा कि नहीं आएगा भाई। वन टू, रेजिलेंसी यूज कर ली भाई, शेमू की रेजिलेंसी गई भाई। अब शेमू का पिनफॉल बड़ी आसानी से हो सकता है, ऑलमोस्ट थ्री काउंट होने ही वाला था, बस ड्रू मैकइंटायर थोड़ा सा लेट हो गए। अगर रेजिलेंसी ना होती शेमू के पास तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अब तक कोडी के हाथ में होती। चलो अब दो टू वर्सेस टू पिनफॉल। एज ने भाई मार खाते हुए सोचा कि भाई मार खाते रहेंगे लेकिन पिनफॉल नहीं होने देंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, कोडी रोड्स कम बैक करते हुए, लेकिन एज रिंग में ही है। लेकिन इतनी आसानी से तो भाई ड्रू का पिनफॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत हेल्थ है उनकी। और डंडा भाई हाथ में ले रहे हैं कोडी रोड्स और भाई एज को धोते हुए। एज बस स्टंट होने ही वाले थे बस। अब फिर से कोडी को मार पड़ती हुई। चलो खैर भाई, ड्रू मैकइंटायर ने कोडी की मदद करी, लेकिन उसके बाद भाई कोडी को भी कूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब कोडी भाई एक सिग्नेचर और फिनिशर है, ड्रू मैकइंटायर के पास दो दो फिनिशर और एज सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक सिग्नेचर और तीन फिनिशर भाई, शेमू के पास दो दो फिनिशर है, अगर वो चाहे तो कोशिश कर सकते हैं चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। लेकिन एज और कोडी दोनों को होश अब आ चुका है और पिनफॉल के लिए जाते हुए ड्रू मैकइंटायर के पास रेजिलेंसी अभी यूज नहीं की भाई। ड्रू मैकइंटायर ने अभी तक तो रेजिलेंसी यूज नहीं किया और फिनिशर शेमू को पड़ा फिनिशर भाई इसके साथ ही। अगर ये दोनों एज और ड्रू मैकइंटायर अब रिंग से बाहर होते और इसके साथ ही भाई मुझे लग रहा है कांड हो गया एज का भी भाई। सिग्नेचर फिनिशर से नीचे अब कोडी रोड्स बात नहीं कर रहे हैं भाई किसी से भी। ड्रू मैकइंटायर ने भाई दो दो पिनफॉल बचा लिए भाई और अब मुझे लग रहा है हाँ एक सिग्नेचर लगा दिया भाई ड्रू मैकइंटायर ने। और फावड़ा लेकर के भाई शेमू भैया आ चुके हैं रिंग में, फावड़ा भी आ चुका है, हथौड़ा भी भाई और उसके साथ ही बेसबॉल का बैट, तीन वेपन इस वक्त रिंग में मौजूद हैं भाई। खतरनाक भाई, सब कांड खतरनाक हो रहा है इस वक्त। मैच किसी भी वक्त किधर भी जा सकता है भाई। इस फिनिशर सबके पास है, तीन फिनिशर ड्रू मैकइंटायर के पास, एज के पास तीन फिनिशर एक सिग्नेचर भाई, बहुत सारा सामान है इनके पास। शेमू के पास भी एक फिनिशर है और वो लगा भी दिया भाई दो फिनिशर लगाए हैं शेमू ने। अरे कोई बचा लो भाई, पिनफॉल होने वाला है। चलो बच गए भाई और इसके साथ ही ड्रू को भी पड़ गया भाई। फिनिशर पे फिनिशर देखने वाले हैं भाई आज हम, बहुत सारे फिनिशर भाई अभी तक तो देख लिए भाई, बहुत सारे फिनिशर पड़ने वाले हैं। कोडी के पास एक फिनिशर है, एज के पास भाई तीन फिनिशर और शेमू भैया बेहोश है। होश में आ जाओ, पिनफॉल अगर हुआ तो भाई कोई बचाने वाला नहीं है। अरे होश में आ जा, हाँ शेमू भैया बिल्कुल मौके पर होश में आ गए, वरना भाई रेजिलेंसी कोडी को यूज करनी पड़ गई थी अभी के अभी।
अब तीन बंदे रिंग में हैं भाई, कोडी रोड्स बाहर है, एज और इसके साथ ही भाई ड्रू मैग्नेटायर की हेल्थ भी जाती हुई, हेल्थ लगभग सबकी जा चुकी है अब, जिसके पास रेजिलेंसी नहीं है ना भाई, सिर्फ शेमू है जिसके पास। वाह भाई वाह, स्टंट हो चुकी है एज और अब मुझे लग रहा है फिनिशर के लिए जाने वाले हैं कोडी रोड्स। बस शेमस बीच में घुस के कोई, अरे शेमस यार तूने जरूर बीच में गंद पाना था बीच में, लेकिन इसके बाद ही भाई कोडी रोड ने फिनिशर देना था तो भाई एज को दे दिया और हथौड़े से भाई पिनफॉल को छुड़वाते हुए और कोडी के पीछे पड़ गया भाई शेमस। सिग्नेचर आ चुका है शेमू भैया के पास, कोडी के पास सिग्नेचर फिनिशर फिलहाल कुछ नहीं है, ड्रू मैग्नेटायर के पास दो फिनिशर है भाई। कोडी को कितनी बुरी तरह से भाई शेमस ने मारा भाई, दो दो फिनिशर दिए हैं उन्होंने इसको और अब भाई हथौड़े से भाई बहुत मार पड़ी है सबसे ज़्यादा कोडी रोड्स को। और अब भाई शेमू चले बाहर, अब रिंग में सिर्फ दो ही बंदे हैं और दो बंदे बाहर हैं, पिनफॉल के चांसेस बन रहे हैं भाई, पिनफॉल होने के चांसेस बन रहे हैं, वन टू और अरे 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 किसका पिनफॉल हो भाई, एज का पिनफॉल हो गया और उन्होंने अपनी रेजिलेंसी तक यूज नहीं करी भाई। मैं इसी की बात कर रहा था कि कई बार रेजिलेंसी यूज नहीं करते, लेकिन मजा आया इस मैच को देखने के बाद भाई। और ये गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको आप पता है ना क्या करना है भाई, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो, जब भी क्या भाई अब तो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, कभी हो जाता है कि नहीं डाल पाता लेकिन अब डेली वीडियो मेरी आ रही है तो आप लोगों को पता है। जो नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, शेयर करें, तो भाई नए चैंपियन हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ड्रू मैग्नेटायर। तो भाई मजा आया इस मैच को देख के, आप कमेंट करके बताएं कि ये मैच आपको कैसा लगा, बहुत ही छोटी सी 11 मिनट की वीडियो बनी है लेकिन अमेजिंग भाई। फैटल फोर में मैच का ना यही फायदा भाई, इतने सिग्नेचर फिनिशर देखने को मिलते हैं ना भाई, मजा आता है। तो भाई बहुत इंजॉय किया इस वीडियो को, मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।